हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं आजादपुर की संडे मॉर्निंग मार्केट। सो वन ऑफ माय सब्सक्राइबर टोल्ड मी अबाउट दिस मार्केट, सो या लेट्स गेट एक्सप्लोर टू दिस मार्केट। So finally we reach our destination, you can see here. So यहाँ पे काफ़ी सारी shops हैं और साथ ही साथ बाहर पटरी पे भी लगाया हुआ है सामान। So basically Sunday को shops ज़्यादातर बंद रहती हैं यहाँ पे और उसकी जगह बाहर सामान लगा के ज़्यादा सामान सेल आउट किया जाता है, जो कि एक्स्ट्रा स्टॉक में रहता है या फिर जो सरप्लस और एक्सपोर्ट का सामान होता है वो वाला। इस मार्केट को देख के मुझे सरोजनी नगर मार्केट की मंडे मॉर्निंग मार्केट याद आ गई, बिकॉज वहाँ पे भी सेम यही सिनेरियो होता है। मंडे को सारी शॉप्स बंद होती हैं और आपको बाहर ही सारा सामान मिलता है। सो इस मार्केट में भी यहाँ पे शॉप्स बंद थी और सारा सामान बाहर लगा हुआ था। सो यहाँ पे इस स्टॉल पे लगा हुआ था ये ब्यूटीफुल पजामों का कलेक्शन और यहाँ पे आपको सारे पजामे 50 रुपीज़ ईच में मिल जाएंगे और इनके पास डिफरेंट क्वालिटी थी और साथ ही साथ जो फैब्रिक की क्वालिटी थी वो भी आपको डिफरेंट टाइप में अवेलेबल हो जाएगी। सो यहाँ पे जितने भी ये डिफरेंट डिज़ाइन और पैटर्न्स के पजामे हैं जस्ट 50 रुपीज़ ईच में मिल रहे थे और इनके पास बहुत सारा स्टॉक था, जिसमें से आप नीचे ऐसे यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हो और कुछ इन्होंने यहाँ पर डिस्प्ले में भी लगा रखे थे। So there is one suggestion for you guys, if you are visiting these type of market, so आपको अगर कोई भी fabric या cloth या कोई भी design पसंद आता है तो आप उसे instant purchase कर लो, because आपको इस type की market में वो design या वो piece दोबारा नहीं मिलने वाला। So या इसलिए उसे उसी time purchase करके आप रख लो। इस मार्केट में आपको कर्टेंस, ब्लैंकेट और कारपेट इजीली अवेलेबल हो जाएंगे और वो भी बहुत कम से कम प्राइस पे, क्योंकि यहाँ पे आपको सारा सामान बहुत कम रेट पे मिलेगा, जो कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। कभी कभी आपको इस मार्केट में वो अच्छी से अच्छी क्वालिटी की चीज़ बहुत कम रेट पे इजीली अवेलेबल हो सकती है। सो मेक श्योर अगर आप ऐसा कुछ लेने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार इस मार्केट को विज़िट ज़रूर करें। और इस मार्केट में मेल्स के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, लाइक पजामास, शूज़, जैकेट्स, स्वेटर्स, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल थी मेल्स के लिए। सो या अगर आप विज़िट करना चाहते हो तो संडे को जाके आप इस मार्केट को विज़िट कर सकते हो। यहाँ पे एक स्टॉल था जिसमें ओनली ₹100 के टॉप मिल रहे थे। सो मेक श्योर अगर आप जाओ तो एक बार इस स्टॉल को भी विजिट करो, जस्ट 100 रुपीज। सो इस स्टॉल पे मिल रही थी ये शिमर फैब्रिक वाली ड्रेसेस और इनका कलेक्शन बहुत अच्छा था, लाइक फैब्रिक भी काफ़ी सही था क्वालिटी में। एंड इस ड्रेस को देख के मुझे सरोजनी नगर मार्केट की याद आ गई, वहाँ भी सेम ये ऐसे टाइप की ड्रेसेस मिलती हैं बट वहाँ पे इतना रश रहता है कि आप अच्छे से प्रॉपर चेक नहीं कर सकते। सो आप इस मार्केट में विजिट कर सकते हो, यहाँ पर आपको सेम इस टाइप की ड्रेसेस मिल जाएंगी और यहाँ पर इतना रश भी नहीं था। इन ड्रेसेस का प्राइस था ओनली 150 रुपीज।
सो यहाँ पे मिली मुझे ये अगेन एक पीजे की कलेक्शन। इनके पास काफ़ी सारे पीजेस थे यहाँ पे, और इनके पास जो क्वालिटी थी वो भी अच्छी थी। मतलब कुछ फैब्रिक्स तो आपको यहाँ पे ऐसे मिल जाएंगे जिनकी क्वालिटी आप हाथ लगा के फील कर सकते हो, बहुत ही सॉफ्ट थी। और इनके पास जो फैब्रिक की क्वालिटी थी वो भी डिफरेंट डिफरेंट में अवेलेबल थी। कॉटन्स भी थे और कुछ विंटर्स के लिए भी थे मोटे फैब्रिक में। सो यहाँ पे इन्होंने लगा रखी थी ये जैकेट्स, और ये शॉप के बाहर ही लगी थी बिकॉज़ इनके अंदर एक शॉप थी खुद की। सो इन्होंने यहाँ पे जो जैकेट्स लगा रखी थी ये 500 रुपीज़ ईच में दे रहे थे, बिकॉज़ इनका जो शॉप का सामान था उन्हें ख़त्म करना था, और उनका जो सामान था क्वालिटी वो एकदम न्यू थी। ये सारी जो जैकेट्स हैं यहाँ पे न्यू अवेलेबल थी जस्ट 500 ईच। और अगर आप इस टाइप के जैकेट्स शॉप से लोगे तो आपको शॉप में इजीली अवेलेबल होंगी, बट ये 1000 रुपीज़ से नीचे नहीं मिलेंगी। सो या यहाँ पे जो जैकेट्स थी इन्होंने हाफ रेट पे लगा रखी थी जस्ट बिकॉज कि उन्हें अपना सामान जो है पूरा सोल्ड आउट करना था इसलिए। यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों की जैकेट्स अवेलेबल थी। मेल्स की यहाँ पे 350 रुपीज़ ईच थी एंड फीमेल्स की 500 रुपीज़ ईच। तो इस स्टॉल पे मिल रहे थे पोचू एंड श्रग। मुझे इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी, और साथ ही साथ इनके पास डिफरेंट डिज़ाइंस भी अवेलेबल थे पोचू एंड श्रग में। नेट के भी थे और कुछ विंटर्स के लिए भी थे। सो यहाँ पे इनकी शॉप थी अपोजिट साइड, और इन्होंने क्लियरेंस सेल लगा रखी थी यहाँ पे। सो मेक श्योर अगर आप इस किसी स्टॉल के पास जाएं तो उनसे एक बार कंफर्म कर लें, अगर उनकी शॉप है तो आप वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको बेडशीट्स एंड ब्लैंकेट की बहुत सारी वैरायटीज़ मिलने वाली हैं। सो अगर आप इस चीज़ को लेने का प्लान कर रहे हैं तो मेक श्योर आप एक बार इस मार्केट को ज़रूर विज़िट करें। तो नेक्स्ट स्टॉल पे लगा हुआ था ये स्वेटर का कलेक्शन, जहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे कलर्स थे, जैसे कि आपको लाइट ग्रीन दिख जाएगा और
ब्लू कलर दिख जाएगा, ग्रे कलर, वाइट कलर, सारे ही कलर्स बहुत प्यारे थे। और इनके पास जो फैब्रिक था स्वेटर का वो भी काफ़ी अच्छा क्वालिटी में था। तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो और देख सकते हो यहाँ की क्वालिटी कैसी है। मेरे को एग्जैक्टली सरोजनी नगर जैसी ही लगी, बिकॉज वहाँ पे भी सेम ही क्लोथ्स अवेलेबल होते हैं। एंड यस, इन सब का प्राइस यहाँ पे 150 रुपीज़ से 200 के बीच में था स्वेटर्स का, तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको लॉन्ग कोट की स्टार्टिंग मिल जाएगी जस्ट ओनली 200 रुपीज़ से, बिकॉज़ यहाँ पे मैंने लॉन्ग कोट के जितने भी प्राइस पूछे थे 200 रुपीज़ से स्टार्टिंग थी। और वो फैब्रिक टू फैब्रिक डिपेंड करता है, लाइक हम किसी मार्केट में जाते हैं तो सेम यही सिनेरियो रहता है कि फैब्रिक टू फैब्रिक वो आपको देते हैं। तो आप यहाँ पे डील कर सकते हो, इन 200 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है और वो आपको 500 रुपीज़ तक के पड़ेंगे। तो इस स्टॉल पे देखिए मुझे ये कोट्स सबकी क्वालिटी भी अच्छी थी और साथ ही साथ इनका फैब्रिक भी मुझे काफ़ी सही लगा और इनके कलर्स भी काफ़ी अच्छे थे। तो आप देख सकते हो जैसे ये आपको दिख रहे हैं वीडियो में, और इनका जो प्राइस था यहाँ पे जस्ट ओनली 200 रुपीज़ से स्टार्टिंग थी। तो या आप यहाँ पे आके ज़रूर चेक कर सकते हो। सो नेक्स्ट स्टॉल पे यहाँ पे जो आप देख रहे हो मेरे हाथ में ये ब्लेजर, ये जस्ट ओनली 150 रुपीज़ का था और इनके पास जितना भी सामान था 150 रुपीज़ का था, सबकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। और इस सामान में आपको यहाँ पे काफ़ी ब्रांड्स के भी क्लोथ्स मिल जाएंगे जिनके ऊपर ज़ारा और मैंगो और H&M लिखा था। तो या उनके या तो माइनर डिफेक्ट्स होते हैं तभी आपको ऐसे क्लोथ्स मिलते हैं, या फिर वो सरप्लस और एक्सपोर्ट का सामान होता है तभी आपको यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, मे बी आप लकी हुए तो आपको शायद कोई अच्छा सा फैब्रिक मिल जाए और अच्छी सी ड्रेस डील आपके हाथ लग जाए। सो ओवरऑल इस मार्केट में आपको क्लोथ ज़्यादा मिलेंगे और साथ ही साथ आपको ब्लैंकेट्स और कारपेट्स, इनका कलेक्शन ज़्यादा मिलेगा। और यहाँ पे आपको गर्ल्स के फुटवेयर और ज्वेलरीज का कलेक्शन बिल्कुल नहीं मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ आपको बॉयज़ के फुटवेयर्स का मिल जाएगा कलेक्शन। बाकी यहाँ पे ज़्यादातर क्लोथ्स, जैकेट्स और इन सब का ही कलेक्शन आपको ईजिली मिलेगा, और साथ ही साथ आपको ब्लैंकेट्स के कवर भी मिल जाएंगे। तो इस स्टॉल पे मिल रही थी विंटर्स की ब्यूटीफुल ड्रेसेस, और यहाँ पे आप देख सकते हो इनका प्राइस भी बहुत सस्ता था, लाइक 100 रुपीज़ की ये ड्रेसेस थी यहाँ पे।
सो यहाँ पे मिल रही थी ये जैकेट्स जिनका प्राइस ओनली 200 रुपीज़ से स्टार्ट था, और यहाँ पे मेल्स एंड फीमेल्स दोनों की जैकेट्स अवेलेबल थी। इस मार्केट में छोटे बच्चों के कपड़े भी अवेलेबल थे, और अगर आप इंटरेस्टेड हो उनके कपड़े सिलेक्ट करने में तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये मेल है क्या? ज्यादा की बन जाएगी मैम। सो इस स्टॉल पे मिली मुझे ये स्काई ब्लू कलर की बहुत प्रिटी सी ड्रेस जो कि समर्स के लिए थी, और इसका प्राइस ओनली 100 रुपीज था। सो यार दैट्स इट अबाउट द टुडेज वीडियो, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपके पास आ जाएंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर करना, और मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।